नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए, खास और विशेष टॉपिक हमारा, लक्ष्मी की एक ऐसी मूर्ति लगाएं कि रंक से राजा बन जाएं। जी हां, सही सुना आपने, एक बहुत छोटी सी मूर्ति आपको लगानी है लक्ष्मी की, और आप रंक से राजा बन जाएंगे। आप बन जाएंगे रोडपति से करोड़पति, आप बन जाएंगे धन कुबेर। सही सुना आपने। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, क्या सभी लोग अमीर होते हैं? उत्तर है नहीं। विधि विधान से लक्ष्मी पूजन हर बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति करता है, दीपावली के दिन भी, हर शुक्रवार को शायद, लेकिन क्या सभी अमीर हो जाते हैं? नहीं। क्या लक्ष्मी पूजन करने के बाद में कई लोगों को घाटा नहीं लगता? लगता है। तो लक्ष्मी को आखिर बिठाया कैसे जाए? भाई, आज लक्ष्मी पर एक विशेष टॉपिक, एक विशेष चर्चा है आपके लिए। एक ऐसी लक्ष्मी की मूर्ति, चित्र नहीं, मूर्ति की बात कर रहा हूं, एक ऐसी लक्ष्मी की मूर्ति जिसे रखने के बाद लक्ष्मी का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा एकदम। देखिए, कहावत है, द मनी यू सेव इज द एक्चुअल मनी यू रियली अर्न। पैसा जितना आपने बचा लिया वास्तविकता के अंदर, वही आपकी कमाई है। अगर कोई 2 करोड़ रुपए कमाता है और उसका 1,99,00,000 खर्च हो जाता है, तो उसकी मूल कमाई, मूल धन है उसका 1,00,000 रुपए। उसने 2 करोड़ नहीं कमाया, उसने मात्र 1,00,000 रुपए कमाया है जो उसने बचाया है। तो धन संचय, लक्ष्मी संचित करना बहुत जरूरी होता है, और वो तब होती है जब लक्ष्मी का फ्लो बढ़ जाए। कुछ लोग बहुत कम मार्जिन पे धंधा करते हैं, जिनका परसेंटेज लेवल बहुत कम होता है, वो कोई 2% पे, कोई 1% पे, कोई 4% पे, इस परसेंटेज प्रॉफिट पे काम करते हैं, लेकिन उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्लाइंटल बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी का आवागमन, कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है, सच भी है। जिस प्रकार से मेहमान भगवान का स्वरूप है, उसी प्रकार से ग्राहक जो है, क्लाइंट जो है, वो ग्राहक का जो भगवान का स्वरूप है। अगर क्लाइंट ही नहीं है तो आपको बिजनेस ही नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लाइंट है, चाहे वो वॉक इन क्लाइंट है, चाहे आपका नाम सुन के आ रहा है। डॉक्टर्स भी तो यही दुआ करते हैं कि ज्यादा लोग बीमार पड़े, जितने लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे उतना वो ज्यादा कमाएंगे। अब आप ये सोचेंगे, ये तो लोगों को बीमार कर रहा है। नहीं, बीमार व्यक्ति अपने कर्मों से है, लेकिन उसे सुधारने का काम डॉक्टर करता है। इसी प्रकार से कसाई की क्या आकांक्षाएं रहती हैं? कसाई ये सोचता है, जितने बकरे कटेंगे उतने हम धंधा करेंगे। सच कह रहा हूं। तो क्या लक्ष्मी उनके पास नहीं होती? होती है। लक्ष्मी हर किसी के पास है। शराब बेचने वाले ये सोचते हैं कि हम जितनी ज्यादा शराब बेचेंगे, जितना लोग ज्यादा शराब पिएंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। उतना ही सिगरेट बेचने वाला भी सोचता है, गुटखा, पान, सुपारी, ये भी बेचने वाले सोचते हैं। ये सभी हानिकारक हैं, लेकिन ये धंधा करते हैं। दवाई वाला भी यही सोचता है, जितने ज्यादा बीमार पड़ेंगे उतनी ज्यादा दवाई बिकेगी। मैं सच कह रहा हूं, सच्चाई यही है। आप चाहे दबे मुंह ही इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा। बहेलिया ये सोचता है, जितने भी पक्षी मेरे जाल में फंस गए उतने ज्यादा हम उनका वध करेंगे और उतना ही ज्यादा हम सामान बेचेंगे, उतना ही हमारा धन आएगा हमारे पास। शिकारी भी यही सोचता है, स्मगलर भी यही सोचता है कि वो जितनी ज्यादा चोरी करेगा, चोर भी यही सोचता है कि मैं जितनी ज्यादा चोरी करूंगा यानी कि दूसरे का उतना नुकसान करूंगा, लेकिन धन उसके पास आएगा। सच है, इस दुनिया में कर्म कैसे भी हों, सबका मूल श्रेय है। तो लक्ष्मी को आवागमन कैसे किया जाए? उसका आवागमन, लक्ष्मी का फ्लो होना चाहिए। जब ये फ्लो नहीं बनता है, तब क्लाइंटल रुक जाती है, आपकी ग्राहकी रुक जाती है, आपका धन दा, धन का मतलब धन का आगमन, आवागमन क्या होता है? आज कोई जैसे कपड़ा व्यापारी है, वो कपड़ा तब बेचेगा जब वो कपड़ा खरीद के लाएगा। जब वो कपड़ा खरीद के नहीं लाएगा तो उसका कपड़ा बिकेगा नहीं। तो
उसके पास में 1000 रुपए का कपड़ा बिका जो वो खरीद के लेके आया था, उसे उसने 1200 रुपए में बेचा, फिर 1100 रुपए का कपड़ा खरीद के लाया जो 1500 रुपए में बिका, तो धीरे 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 उसका धन दा बढ़ेगा। और ये बढ़ता कब है? जब लक्ष्मी आपके पास में स्थिर हो, लेकिन वो उसी समय पे एट द सेम टाइम चलेमान भी हो, क्योंकि अगर लक्ष्मी रुक जाएगी तो स्टैटिक्स आ जाएगी, धन रुक जाएगा। इसलिए एक ऐसी प्रकार की लक्ष्मी है जिसे आप घर में रखते हैं जिसका फ्लो आवागमन होता रहे। आइए, आपको बहुत मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, वीडियो को चलाना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, डिस्टेंस 10 मिनट तक का वीडियो हमें रोज़ बनाना होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलता हूँ आगे भी बोलता रहूँगा और ये क्रम आगे का आगे भी चलता रहेगा, लेकिन पते की बात आखिरी में बताता हूँ, तो आप सुनिए और समझिए इस चीज़ को। एक ऐसी लक्ष्मी जो बैठी हुई है सुखासन में और पदम पे, एक ऐसी लक्ष्मी जो प्रसन्न मुद्रा में हो, और एक ऐसी लक्ष्मी जो एक विशेष मेटल से बनी हुई हो। सही सुना आपने, एक ऐसी लक्ष्मी जो एक विशेष मेटल से बनी हुई हो और उसे एक विशेष डायरेक्शन में रखा जाता है, और वो डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा है उत्तर। अब उत्तर क्यों? लक्ष्मी की डायरेक्शन तो उत्तर पश्चिम भी कही गई है, दक्षिण पूर्व भी कही गई है, उत्तर क्यों? क्योंकि वो मेटल है पारा। जी हाँ, पारे की सुखासन में बैठी हुई लक्ष्मी अगर उत्तर दिशा में रख दी जाए, कुबेर की दिशा में रख दी जाए, तो कुबेर के धन के द्वार खुल जाते हैं और आवागमन आना शुरू हो जाता है। पारा क्या है? पारा भगवान शंकर का वीर रूप है, परमेश्वर का स्वयं पाठ है, गंगा के कण कण में पारा है, इसलिए गंगा का पानी निर्मल स्वच्छ और सर्वदा पवित्र है। चाहे कलकत्ता से ले लीजिए पानी, जहां बिल्कुल काला पड़ जाता है, गंगा तो गंगा ही है, उसे हम सर पे जरूर। और गंगा गंगा क्यों है पता है आपको? गंगा गंगा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पारा है, स्वयं शिव हैं उसके अंदर निवास करते हुए, और जहां शिव हैं वहां त्रिपुरा सुंदरी, वहां कमला भी है। तो एक पारद लक्ष्मी अगर आप अपने घर की उत्तर दिशा में रख देते हैं, और उस पारद लक्ष्मी के पास एक विशेष चीज और रखनी है आपको, क्या रखना है वो भी आपको बताऊंगा, जिससे आपका आवागमन बढ़ता रहे। उस पारद लक्ष्मी के पास में आपको एक इत्र की शीशी रखनी है, और इत्र के शीशे में आपको 7 हरे जिरकॉन रखने हैं। इत्र के शीशे कौन से रखनी है? केवड़े का इत्र है। पारद लक्ष्मी के पास में आप केवड़े की छोटी सी शीशी लेकर के उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एक एक कैरेट के 7 हरे जिरकॉन अगर रख देंगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन शुरू हो जाएगा और आपका धंधा भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले एक आज का विशेष वास्तु टिप। अगर आपका धंधा मंदा पड़ गया है, अगर आपका धंधा नहीं चलता है, तो एक छोटा सा जरूर काम कीजिए, आप अपने दुकान में या अपनी फैक्ट्री में एक बहुत छोटा सा उपाय कीजिए। लाल मौली में 12 घुंघरू पिरोइए। 12 घुंघरू जो बाजार में घुंघरू मिलते हैं, क्योंकि वो घुंघरू ब्रास से बने हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा ब्रास से बने हुए ही घुंघरू लेना है, और उसको अपने मेन गेट पे बांध दीजिए। इस तरीके से बांधिए कि वो एक दूसरे से टकराएं, तो आप ये देखेंगे कि आपका धंधा 43 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, चलना से भागना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से तो कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार।